मन का तय दिलों धन्यवाद करदा कि उन्होंने दोबारा सेंटर हल्के तो मैं टिकट दे के नवाजा है। और साढ़े सीएम जो चन्नी साहब ने जो नहीं भी देना सी वो भी गरीब जनता वास्ते अमीरां दा मिडिल क्लास दा हर एक दा इन्ना ध्यान रखिया तो फिर क्यों ना उन्हां दी जीत होएगी। ये 14 तरह के लोग वोट पा पा के थक चुके पंजे ने साडा सारा वादा रहे जेड़े जेड़े भी काम सी वो असी पूर्ण रूप दे विच कीते आ। जे कोई 2-3% काम कोई साडा रह भी गया वो असी आने वाले समय दे विच पूरा करके दिया। मान ने बहुत कुछ देख सोच समझ के सब कुछ देख के लोगों के सर्वे करके क्योंकि लोगों वालों यही MLA रिपीट होना चाहिए सी। बहुत ने जो कुछ भी किया बहुत सही किया लेकिन हुन सच्चाई की जीत हुई है और अगे भी जीती होएगी। साइन टीवी दे रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं रवि गिल जिवें कि अज जलंधर तो कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों दीआं लिस्टां जारी हो चुकियां ने। तो रजिंदर बेरी हुणां दे हक दे विच तुसीं देख सकते हो उन्हां नूं सेंटर तो टिकट अनाउंस हो चुकी है ते बेरी साहब भी आ चुके ने। इत्थे उन्हां दे सारे पार्टी दे मैंबर उन्हां दा स्वागत करन दे लई पहुंचे है ते तुसीं देख सकते हो कि किन्ना उत्साह है ते बेरी साहब दे हक दे विच तुसीं देख सकते हो कि किवें जोश के नाल उन्होंने वर्कर उन्होंने कोल पहुंचे ने। सो तुसीं देख सकते हो जलंधर सेंट्रल तो रजिंदर बेरी उन्होंने कांग्रेस की टिकट मिली है ते उन्होंने जो पार्टी मैंबर सीगे उन्होंने कितनी खुशी की लहर है क्योंकि जलंधर की टिकट अनाउंस नहीं हो रही सी। तो पहले आम आदमी पार्टी तो जो रमन अरोड़ा जी को टिकट मिल चुकी है ते श्रोमणी अकाली दल तो चंदन गरेवाल होना नू टिकट मिल चुकी है ते उदे बाद अज फाइनली जो कांग्रेस की सीट सी वो रजिंदर बेरी होना नू जलंधर सेंट्रल तो मिल चुकी है ते उन्होंने जो मैंबर सीगे जो जिन्हां दे विच खुशी की लहर है ते तुसीं देख सकते हो कि किवें उन्होंने कंधिया के उत्ते चक लिया गया ते उन्हां नू दफ्तर दे विच लिजाया जा रहा ते ढोल दे नाल उन्हां दा स्वागत किया जा रहा। ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ 2-3% ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 28,000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹਿੱਟ 40,000 ਦੀ ਲੀਡ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜੂਗੇ। 5 ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਈਕ
कमांड ने बहुत कुछ देख सोच समझ के सब कुछ देख के लोगों के सर्वे करके क्योंकि लोगों वालों यही MLA रिपीट होना चाहिए सी। बहुत ने जो कुछ भी किया बहुत सही किया लेकिन हुन सच्चाई की जीत हुई है और अगे भी जीती होएगी। लगातार ये गल कही जा रही थी इस बार जी एक टिकट जरूर कट्टी है लगातार उसके उपर लेकिन हाईकमान ने दोबारा तो जी है चारों पुराने जो विधायक से उन्होंने दोबारा टिकट दी है सो हाईकमान का की कहना चाहोगे इसमें हाईकमान 25,000 तो लैके 30,000 वोटों की लीड के न जितने वाले MLA जो टिकट ना मिले तो फिर और किसी टिकट दे के सू हासिल हो सकता है। इन्नी मेहनत करोड़ों के काम लोगों को दिते है पब्लिक को इन्नी सहूलत दीतियाँ और साढ़े CM जे चन्नी साहब ने जो नहीं भी देना सी वो भी गरीब जनता वास्ते अमीरां दा मिडिल क्लास दा हर एक दा इन्ना ध्यान रखिया तो फिर क्यों ना उन्हां दी जीत होएगी। और स्पैशली जो राजिंदर बेरी वर्गे जे सच्चे इंसान नू टिकट ना मिलती तो फिर शायद कदे कुछ हो ही नहीं सकदा। जिंदर बेरी देख सकते हो कि कांग्रेस पार्टी दी सेंटर तो जो टिकट राजिंदर बेरी अनाउंस हो चुकी है तो टिकट मिलन की खुशी दे विच तुसी देख सकते हो कि पार्टी वर्कर उन्होंने कोल पहुंचे ने ते उन्होंने विच खुशी की लहर है। उन्होंने कहना है कि असी ये सीट जित के जो कि है कांग्रेस पार्टी की झोली दे विच पावांगे। जलंधर तो कैमरामैन शुभम गिल दे नाल रवि गिल दी रिपोर्ट। संतान प्राप्ति कारोबार विच घाटा विदेश यात्रा विच देरी पति पत्नी विच क्लेश पढ़ाई विच मन ना लगना प्रेम प्यार सिरे ना चढ़ना कोर्ट कचहरियां दे चक्करां दी परेशानी तो मुक्ति ले पहुंचो मियां बशीर खान जी कोल। एक बार फोन जरूर करो तुहाडा एक फोन बदल सकदा तुहाडी जिंदगी। प्यार विच धोखा खान वाले प्रेमी प्रेमिका भी एक बार जरूर संपर्क करन। हुण सुपने देखना छड्डो ए सब मुसीबतां जां ख्वाहिशां नूं पूरा करन लई चुको कदम। फोन नंबर 9876800768।